हमारे लास्ट लेसन के अंदर वी वर्क ऑन द आइडिया ऑफ बैरोमीटर ना, एंड इन दैट बैरोमीटर आई एक्सप्लेन यू व्हाट दैट इंस्ट्रूमेंट इज ऑल अबाउट एंड हाउ वी एक्चुअली यूज दैट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हमारा आज का जो लेसन होगा दैट विल वर्क ऑन द आइडिया ऑफ प्रेशर्स ऑफ लिक्विड्स. हम लिक्विड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे एंड देन वी गोना टेक इट अ बिट फर्दर, और इसको फिर हम मैनोमीटर्स एंड गैस प्रेशर्स इन चीजों के साथ भी लिंक करने की कोशिश करें. शुरू करते हैं जरा प्रेशर इन लिक्विड्स के ऊपर. देखो जब आप बात करते हो प्रेशर इन लिक्विड्स के पर्सपेक्टिव पे ना, तो यहाँ पे इट्स एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द कॉलम ऑफ लिक्विड above a point. इस चीज का जो फॉर्मूला है हमारे पास लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने का, इट्स रॉ जी एच. इसमें दिस पी इज द लिक्विड प्रेशर, this raw is density, g is gravitational acceleration, or should I say gravitational field strength, earth ke liye 9.81 jo hoti hai, and this h is depth. kuch logon ko lagta hai sir h is for height, lekin yahan pe hum likhte hain h is for depth. see, aur usme bahut bada difference. Let me tell you why h is the depth. Isse mein jo liquid ka pressure aata hai, it's because of the amount of water above a certain point. Pani ka jo weight hota hai na, wo aapke paas exert ho raha hota hai. To us water ke weight ki wajah se aap pressure experience karne ka bhi kaam kar rahe hote ho. To scenario agar aisa hota ki bhai I had a tube or a container filled with liquid, could be any liquid. लेट्स से वाटर ही है अगर हम एग्जांपल ले लें उस चीज की, एंड इफ आई विश टू मेजर द प्रेशर एट दिस पॉइंट, सही प्रेशर एट पॉइंट ए, मुझे बोला गया भाई आप इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ, और अब प्रेशर एट दिस पॉइंट बी, बिल्कुल बॉटम पे प्रेशर बताओ. तो यहां पे अगर आप देखते हो दिस इज द डेप्थ, डेप्थ हमेशा टॉप से बॉटम मेजर होती है, मतलब आप अपनी डेप्थ नहीं बताते, आप अपनी हाइट बताते हो, मैं जमीन से इतना ऊंचा हूं. लेकिन वाटर के प्रेशर के केस में आप डेप्थ बताया गया कि आपको जिस पॉइंट तक प्रेशर चाहिए आप उस पॉइंट तक का डेप्थ नोट करो. दिस इज द डेप्थ टिल ए, एच ए, और अगर बी तक की बात होती तो आप बिल्कुल बॉटम तक जाते. दिस इज द डेप्थ एच बी. इफ आई वर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट एनी लेवल ऑफ लिक्विड, उससे अगर बोला जाता भाई कि
एग्जाम्पल के तौर पर हम कर लेते हैं, डिटर्मिन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ लिक्विड और शुड आई से द कॉलम ऑफ वाटर टू बी एग्जैक्ट क्वेश्चन के लिए. Density 1000 kilograms per meter cube. At point A, जिसकी h की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं भाई 50 सेंटीमीटर्स एंड एट पॉइंट बी जिसमें मैं आपको वैल्यू दे देता हूं भाई 120 सेंटीमीटर. और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम. इसके अंदर आप वेरिएशन वगैरह तो आती नहीं है. आपके पास वेरिएशन आएगी भी तो आप उस वक्त A2 में बैठे हुए होंगे. तो ओ लेवल्स के अंदर ग्रेविटी रिमेन्स द सेम एवरेज. तो भैया आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू भी दे दी गई है. इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज गिवन टू यू. तो अगर मैं लिक्विड का प्रेशर एट डेप्थ ए निकाल रहा होता तो लिक्विड के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आई वुड हैव यूज्ड रॉ जीएच तो अब लाजिमी बात है फॉर प्रेशर एट ए आई हैव टू यूज द डेप्थ एट ए. यहां पे जब आप प्रेशर इक्वल्स रॉ जीएच लगाते डेंसिटी आप 1000 रखते ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज बोली जाती है क्योंकि आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हुए आए थे कि प्लैनेट की जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वही उसे एक्सेलरेट करवा रही होती है नीचे गिरते. तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोल दें आप उसे या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल दें उन दोनों में कोई फर्क नहीं. 9.8 और एच की वैल्यू जो हमारे पास 50 सेंटीमीटर थी आपको उसे डिवाइड बाय 100 करके मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसकी वजह यह है कि आपके तमाम जो कैलकुलेशन में यूनिट्स चल रहे हैं जितनी क्वांटिटीज आपने रखी हैं सब ऐसा ही बेस यूनिट्स में रखी. तो यहां से आप पी ए की जो वैल्यू है वो डिटरमिन कर सकते हो. अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूं इधर थाउजेंड इंटू 9.8 इंटू 0.5 ये हो जाएगा भाई 4900 पास्कल्स. ठीक है. और इसी तरह से अगर मैं पॉइंट बी पे निकालना चाहता यूज रॉ जीएच करता ये जो मैंने सिंबल बनाया है दिस सिंबल इज कॉल्ड रॉ इट्स प्रोनाउंस आर एच ओ रॉ and it's a symbol for density over here. जैसे यहाँ पे हमने प्रेशर के लिए कैलकुलेशन की थी इस तरह यहाँ पे भी आप कर लेते हो. डेंसिटी इज 1000 ग्रेविटी इज 9.8 और डेप्थ देखो इसकी भी 120 सेंटीमीटर दी हुई है. ये तो ऐसा यूनिट नहीं है ना सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं थे तो आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपके पास बाकी जितने यूनिट हैं वो सब ऐसा यूनिट में चल रहे हैं. डेंसिटी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चल रही है. सो ये ग्रेविटेशन के अंदर भी आप न्यूटन और किलोग्राम्स को देख रहे हो तो तमाम चीज़ें ऐसा यूनिट में होनी चाहिए. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसको डिवाइड बाय 100 कर ये तो आपको पता भी होगा कि 1 meter has 100 सेंटीमीटर. जब सेंटीमीटर से मीटर में आ जाता है डिवाइड बाय 100 किया जाता है 1000 इंटू 9.8 इंटू 120 अपॉन 100 विल बी 1.2 ये हो जाएगा 11,760 पास्कल्स. हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले आ गए और इस बात से आपको अंदाजा भी होगा भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ
मीन जितने ज्यादा डेप्थ पे आप जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा आपके पास बढ़ता चला जाएगा। बल्कि ये भी कहना चाहिए प्रेशर इज नॉट जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एज़ वेल। अब ग्रेविटी का तो मामला एक ऐसा है कि भाई वो तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, मतलब वी डोंट सी ग्रेविटी चेंजिंग मच कैजुअली इन आवर एवरीडे लाइफ्स। द प्लेसेस वी गो टू दे जनरली हैव द सेम वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एवरीवेयर। हाँ, अगर प्लैनेट ही तब्दील कर दिया जाए, यू परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट ऑन मून या मार्स, अब बात अलग हो गई, अब द थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वहाँ पे जो आपके पास जो वैल्यूज होंगी ग्रेविटी की वो अलग होंगी। हम ऐसा तो नहीं कर रहे, पूरी जगह चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्लैनेट चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ थोड़ी बहुत वेरिएशन करते हैं, तो ग्रेविटी सेम नहीं। बट डेंसिटी में भी ये है कि जो हैवियर लिक्विड एग्जर्ट मोर प्रेशर, इसकी डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। आसान हो जाए फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब आई होप आप लोगों के जो क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ आए हुए थे वो लेक्चर में ही क्लियर हो गए थे, वाई वी डिवाइड बाय 100 एंड जो है वो एच की वैल्यू हमेशा ही मीटर्स में होती है, क्या पैसा यूनिट में वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछ ले, वरना फिर मैं ये है कि आगे बढ़ता हूँ और एक और नई चीज़ समझाता हूँ। अब एक चीज है जिसे हम कहते हैं टोटल प्रेशर। देखिए जब हम बात करते हैं ना टोटल प्रेशर की, टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड, तो टोटल प्रेशर के लिए हमारे पास एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखिए जब आप किसी कंटेनर में लिक्विड फिल करते हैं, और लेट्स से मैंने यहाँ पे लिक्विड फिल किया हुआ था, दिस वाज द लेवल ऑफ द लिक्विड, एंड हम बात कर रहे हैं भाई इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट है जहां प्रेशर लग रहा है। देखिए इस पॉइंट पे एक तो लिक्विड की वजह से प्रेशर आ रहा है, जो कॉलम ऑफ लिक्विड इस पॉइंट के ऊपर है सारा, एक तो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक और चीज प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, एंड दैट इज द एटमॉस्फेयर। सही, इसके अलावा एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एग्जर्ट करने का काम कर, मतलब पॉइंट एक्स जो है इट्स नॉट जस्ट एक्सपीरियंसिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वजन तो है उसके ऊपर, लेकिन इसके अलावा जो लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था दैट टू इज एक्सर्टेड ओवर देयर। और यहां पे जो आपके पास टोटल प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, दैट टोटल प्रेशर आई एम गोना राइट इट एज पीटी इज बेसिकली द सम ऑफ द लिक्विड प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So it is a sum of liquid pressure and atmospheric pressure. ये आपके पास एक इसका formula है। तो कभी भी अगर liquid के अंडर आपको pressure calculate करने को बोला जाएगा तो examiner आपको clear करेगा कि वो आपसे total pressure मांग रहा है या liquid pressure मांग रहा है। आप उन दोनों को confirm करते हुए देखिएगा कि हाँ भाई अगर उसने खाली pressure due to liquid बोला है तो फिर total ना निकालिए,
लेकिन अगर वो ओवरऑल प्रेशर बोल रहा है या टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, टोटल प्रेशर एट पॉइंट एक्स, उसका मतलब ये है कि वो लिक्विड प्लस एटमोसफेयर दोनों की बात कर रहा है। अब जैसे अगर मैं वही पॉइंट ए वाली एग्जाम्पल ले लेता, ये चले यहाँ पे हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं अलग उस पर, कि मान लीजिए ये जो डेप्थ है हमारी, इस डेप्थ की वैल्यू थी 40 सेंटीमीटर्स, ये पानी के लेवल से 40 सेंटीमीटर्स नीचे है, और बल्कि 40 भी नहीं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम नंबर, लेट्स से इट्स एक्चुअली 20 मीटर्स, 20 मीटर कर दो, 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। सो इफ इट्स 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो भाई लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो आपको मिलेगा रॉ जी एच से, और एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपके पास 1.0 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स। 1.01 भी होता है, 1.0 भी होता है। क्वेश्चन में जब एग्जामिनर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करने को देगा तो वो आपको अपनी वैल्यू खुद एक सजेस्ट करेगा, मतलब वो बताएगा भाई टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज दिस, ताकि आप उसको उसी के लिहाज से इस्तेमाल करें। मैं 1 लाख बोलते था, अभी तो मैंने 1.0 एक्सपोनेंट 5 लिखा। अब इफ इट्स वाटर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी हमें पता है 1000 होती है, मैं बोलूंगा भाई डेंसिटी इज 1000, ग्रेविटी इज 9.8, डेप्थ इज 20, ठीक है, ये आपके पास लिक्विड का प्रेशर आ गया, इसमें 1 लाख ऐड कर दीजिए, 1.0 एक्सपोनेंट 5, दैट वुड गिव यू द टोटल प्रेशर, क्योंकि टोटल इज ऑलवेज द सम ऑफ द लिक्विड एंड द एटमॉस्फेयर। माइनस करने का तो बन नहीं सकता ना, मतलब आप खुद सोचे, एटमॉस्फेयर लिक्विड को पुश कर रहा है और लिक्विड का वेट अपना अलग उस लग रहा है उस पॉइंट, तो इट्स लाइक टू ब्लैंकेट्स वन ओवर अनदर, प्रेशर तो हमेशा बढ़ के ही आने वाला है। इट्स 296,000, 296,000 पास्कल्स। टोटल प्रेशर आपके पास इतना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर इन इन योर क्वेश्चन इट्स आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट, यू ऐड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, इवन इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड यू विल हैव सम एयर इनसाइड इट एंड हेंस यू विल हैव सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर क्लैरिफाइज कि भाई देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दैट वुड नॉट एक्चुअली हैपन टू बी ऑनेस्ट। So we figured out how the liquid pressure actually works. Now we're going to talk about something called manometers. If you have any confusion in this part, do ask. अच्छा, अब एक और इसी तरह के जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी आपसे बात कर लेते हैं। हम आपको एक एग्जांपल करवाते हैं, कि लेट्स सी वी वर टॉकिंग अबाउट
a level of liquid over here. And there was a diver who actually moves from one depth to another. ये हमारे पास समझ ले बीनीथ द सरफेस ऑफ द वाटर एक सिचुएशन है. और अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी. एक डाइवर मूव करता हुआ जाता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. पॉइंट ए की जो डेप्थ है दैट्स एक्चुअली लेट्स से 10 meters. और पॉइंट बी की जो डेप्थ है दिस इज 15 meters. ठीक है. और हमसे बोला जा रहा है भाई चेंज इन प्रेशर बताइए जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा फ्रॉम ए टू बी. अ डाइवर ट्रेवल्स from A to B if the density of water is 1000 kilogram per meter cube. Determine the change in depth. Oh, sorry, the change in pressure. Experienced by the diver. इसके प्रेशर में उस पर कितना चेंज आया ये चीज आप कैलकुलेट करके बताइए. अब देखिए प्रेशर का चेंज आपने डिटर्मिन करना है तो मैं अगर प्रेशर का चेंज निकालना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ भाई प्रेशर में चेंज कैलकुलेट करने के लिए बी पे जो प्रेशर था और ए पे जो प्रेशर था उसे माइनस कर दीजिए. अगर आप समझदार हैं तो आपको पता होगा कि सर बी और ए पे जो प्रेशर था वो सिर्फ लिक्विड का नहीं था एटमोसफेयर का मिला के था. लेकिन क्योंकि दोनों जगहों पर एटमोसफेयरिक प्रेशर सेम लग रहा था तो हम एटमोसफेयरिक प्रेशर को इग्नोर भी कर सकते. हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काइंड ऑफ लाइक कैंसिल्ड आउट, उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया. जी कैसे हो गया मैं मैथ्स के थ्रू करके दिखा देता हूँ. अगर आप लिक्विड प्रेशर की बात बी पे बात करते हैं तो भाई बी पे लिक्विड का प्रेशर भी होगा और एटमॉस्फेयर का भी होगा. माइनस इसी तरह ए पे लिक्विड का प्रेशर भी होगा और एटमॉस्फेयर का भी होगा. मैं इसको एटीएम ठीक है. अब यहां क्या सिनेरियो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट ही कैंसर है क्योंकि वो दोनों जगहों पे सेम लग रहा था ना. तो जब आप एक फर्दर डेप्थ के अंदर गए हो तो फर्दर डेप्थ में जाने पे आपके पास प्रेशर में कोई वाज़े चेंज नहीं आया. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं आया. यू ओनली मूव टू अ डेप्थ फ्रॉम ए टू बी एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम ए टू बी जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ था उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी है. जो असल चीज चेंज हुई है वो लिक्विड का प्रेशर चेंज हुई. जो असल चीज चेंज हुई है वो लिक्विड का प्रेशर चेंज हुआ. तो आपके पास जो चेंज ऑफ प्रेशर आपको नजर आएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड प्रेशर पी एल बी माइनस पी एल ए. प्रेशर ऑफ लिक्विड एट बी माइनस प्रेशर ऑफ लिक्विड एट ए.
इस चीज को आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, बाई रॉ जी एच एफ बी माइनस एच एफ। क्योंकि आप इसे ऐसे क्यों लिख सकते हो, आप बोलते हैं सर बी पे प्रेशर रॉ एच बी से निकलेगा, ए पे रॉ एच ई से निकलेगा, आप रॉ और जी कॉमन निकाल लो, एच बी माइनस एच ए बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वो जो इफेक्ट था वो वैसे कैंसिल आउट हो गया था, दिस इज व्हाट दैट रिमेन्स। तो ये एक आपके पास छोटा सा फॉर्मूला आ गया, भाई अगर आप पानी की सरफेस के नीचे हैं और एक डेप्थ से दूसरी डेप्थ में जाते हैं तो चेंज ऑफ प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, अगर आप लिखते भी तो वो कैंसिल हो रहा था, सही, इस वजह से जो चेंज आया है वो सिर्फ लिक्विड के प्रेशर की वजह से। अब आप फॉर्मूला रख के अगर चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, डेंसिटी 1000 है, ग्रेविटी वही 9.8 है, और आप 15 मीटर की डेप्थ पे गए हैं 10 मीटर की डेप्थ से, तो फाइनल डेप्थ 15 हो गई, इनिशियल डेप्थ 10 हो गई, यहाँ से आपको चेंज ऑफ प्रेशर मिल जाएगा, दैट विल बी 1000 इंटू 9.8 इंटू 5, दैट इज 49,000। ये हमारे पास आ इस क्वेश्चन में मैंने दो बातें बताने की आपको कोशिश की, एक तो आपको चेंज ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला सिखाया और दूसरा आपको ये बात बताई कि जब आप पानी की सतह के नीचे ही थे ना और एक डेप से दूसरे डेप पे जा रहे थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको अपने फाइनल आंसर में ऐड वैड करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप प्रेशर का चेंज निकाल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि दोनों जगहों पे सेम था तो उसका इफेक्ट वैसे ही कैंसिल हो गया। उसको मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिख भी देता हूँ कि भाई एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज सेम एट बोथ डेप्थ्स, सो द इफेक्ट ऑन डेल्टा पी इज कैंसिल। इस वजह और ये हमने मैथ्स भी यहाँ पे करके दिखा दी कि इस चीज की जो मैथ्स है वो ये हुई। दिस इज द मैथ्स ऑफ दैट। चेंज ऑफ प्रेशर का एक बात समझ लो कि तुम्हारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से भी था कि भाई बच्चे को फॉर्मूला आना चाहिए, तो हमने ये कर लिया कि भाई एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि भाई अगर कभी आया आपके सामने नजरों में तो बेसिकली उसको समझ जाओ। बिल्कुल बेटा हारिस, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही जैसा आपने लिखा है, बिल्कुल वैसा ही। एंड आई होप अब्दुल वासे आपके इस क्वेश्चन का जवाब भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं इंक्लूड करते, हमने दिखाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल सेम था दोनों जगहों पर तो उसका चेंज इन प्रेशर के अंदर उसको कंसिडर करने की जरूरत है। अगर अभी भी इसके किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो भाई वो पूछ ले।
जैसा कैन वी कैंसिल एटमोस्फेरिक प्रेशर एवरी टाइम इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन. यस यू कैन डू दैट. लेकिन मेरे को मैं मशवरा इसका दूंगा अली, क्वेश्चन की थीम को समझना ना. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ लिक्विड ओनली, तो फिर आप लाजमी बात है उसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर यूज नहीं करोगे. बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आप लिक्विड प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर का टोटल यानी टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट करो, एट दैट टाइम यू हैव टू ऐड द एटमोस्फेरिक प्रेशर. अब चेंज में मैंने एटमोस्फेरिक प्रेशर क्यों यूज नहीं किया, मैंने उसकी वजह बता दी कि भाई दोनों जगहों पर एटमोस्फेरिक प्रेशर सेम था तो वो कैंसिल हो गया था. मुसव्विर मेरे बच्चे, हमने एटमोस्फेरिक प्रेशर को ऐड ही किया था. या अल्लाह, माय बैड मेरे बच्चे. हाँ, थैंक यू फॉर द करेक्शन. आई एक्सीडेंटली प्लेस्ड अ माइनस साइन ओवर देयर. थैंक यू मुसव्विर बेटा. देखो ये हाजिर दिमाग है अब्दुल मुसफ़िर की, कि उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐड होता है और सबने गलती से माइनस लगा. थैंक यू बेटा. अच्छा भाई, यहाँ तक और किसी के जहन में अगर कोई सवाल है तो वो पूछ. अच्छा, देर यूज टू बी सम मोर कंटेंट ऑन प्रेशर इन योर प्रीवियस सिलेबस, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है. जैसे मैनोमीटर का यूज है और हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास जो है वो पहले सिलेबस का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब यह है कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इसलिए हम मैनोमीटर्स और इन चीज़ों को जो है वो अब आपके पास यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हो. गिव मी अ सेकेंड, फिर मैं आपको आप लोगों के थोड़ा क्वेश्चंस करवाता हूँ. यस, हाइड्रोलिक्स इज रिमूव्ड आरएस. चलिए, सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट द प्रेशर इन गैसेस. अगर हम बात करते हैं प्रेशर इन गैसेस के ऊपर, तो सबसे पहले तो सवाल ये क्रिएट होता है कि व्हाई डू गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इन द फर्स्ट प्लेस. भाई हाउ गैसेस एग्जर्ट प्रेशर, इस चीज का आंसर मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझाते हुए दिया था. मैंने एक्सप्लेन यू के कॉलिजन वगैरह एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये किस तरह से होती है. हरीश, यू हैव सेंट अ फाइल टू मी आई बिलीव. यस हरीश, That would eventually give you the same answer. अगर आप ये दिखा रहे थे ना कि आपने atmospheric pressure लेके दोनों points पे निकाले थे, तो it would give you the same answer. क्योंकि लाजमी बात है वो wave effect आया ना कि वो cancel ही होगा at the end. तो अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते उनको तो answer same मिलना. So if you would have used that and then got कहो के subtracted it, your answer would not be different. Your method is correct. It's just a longer one. Maybe you can say that. तो हाउ गैस हैज एग्जर्ट प्रेशर, इसका जवाब हम ऐसे लिखते थे भाई कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ कंटीन्यूअस रैंडम मोशन. फिर हम ये बताते थे भाई दे कलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर.
जिसके बाद हम बोलते थे कि दे विद दिस कॉज ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, नो एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर ऑफ गैस। उस फोर्स पर यूनिट एरिया से गैस का प्रेशर पे इफेक्ट आता, ये वही कह लो कि उस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही आप गैस का प्रेशर बोलते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, दे कलाइड विद वन अनदर ड्यूरिंग द ट्रांसलेटरी मोशंस, व्हेन दे कलाइड दे एक्सर्ट अ फोर्स एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस प्रेशर। अब एक बात हम जानते हैं कि भाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases the pressure of gas. Temperature बढ़ाने से गैस का प्रेशर बढ़ता है। The question is why? ऐसा क्यों होता है temperature बढ़ाने से गैस का प्रेशर बढ़ जाता है? हाँ ये नहीं है कि हम पिस्टन को फिक्स करते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का मामला, कि वॉल्यूम आपने फिक्स किया हुआ था उसका, यू आर नॉट अलाउइंग द गैस द सिस्टम टू एक्सपैंड, यू आर जस्ट हीटिंग द गैस एंड यू आर सीइंग द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे प्रेशर क्यों बढ़ता है इस बात को समझे। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ती है, मैं उसको ऐसे लिख दिया, तो भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है। अच्छा स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होने से जो कॉलिजन की फोर्स होती है वो बढ़ जाती है, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ग्रेटर फोर्स। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन ऑल्सो इंक्रीज, वो अब ज्यादा भी टकराएंगे। ज्यादा फोर्स से टकराएंगे और ज्यादा क्वांटिटी में टकराएंगे, क्योंकि तेज चल रहे हैं ना तो जल्दी जल्दी कॉलिजन होगी। जब फोर्स बढ़ेगी तो लाजमी बात है प्रेशर भी बढ़ेगा। इसकी वजह से आपका प्रेशर बढ़ जाए। तो मैंने एरो के थ्रू ये बात समझाई कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती है, मूव फास्टर, व्हेन दे मूव फास्टर एंड दे कलाइड दे एक्सर्ट मोर फोर्स, इन केस दे एक्सर्ट मोर फोर्स यू हैव नाउ मोर प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के उसके प्रेशर में इंक्रीमेंट आता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी इस चीज की कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है, इसी तरह एक और चीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है। हफ्सा इट विल प्रॉब्ली एंड काइंड ऑफ लाइक इन आवर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये छोटा सा एक चीज रह गई है, ये समझ ले आखिरी टॉपिक ही चल रहा है इसका, इट विल एंड प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट क्लास, उसमें हम उसके क्वेश्चंस भी आपको करवा देंगे।
अब अगली चीज टेम्परेचर का वॉल्यूम से रिलेशन है कि भाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस. गिवन दैट आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ, इसको मैं फिजिकली समझ जाता हूँ थोड़ा सा ताकि आप उसको इमेजिन कर सको. इट्स लाइक कि आपके पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर पे आपने एक लिड लगाई हुई थी, ठीक है, और जब आप उस कंटेनर को हीट करोगे, उसके गैस को हीटअप करोगे, तो आप ये देखते हो कि गैस एक्सपैंड करती है, वो लिड ऊपर मूव कर जाती है. उस पर मैंने एक मास रखा हुआ ये शो करने के लिए कि मैं उस मास के थ्रू उसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट कर. तो शुरू में मेरे पास जो यहाँ पे गैस थी सही, वो गैस अब एक्सपैंड हो गई है, वो गैस अब फैल गई. मॉलिक्यूल्स आर नाउ फार्दर अपार्ट क्योंकि व्हेन आई हीटेड अप द गैस तो हीटिंग की वजह से आपके पास गैस के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया. इसका टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम था V1. इस वक्त टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया. T2 was more than T1. तो अब अगर यहाँ पे इस चीज को देखा जाए और अपने आंसर को यहाँ फैब्रिकेट किया जाए तो आप कुछ ऐसे लिखोगे इसका रीजन कि भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर गैस का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने से आपके पास इफेक्ट ये होगा कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गई. अब मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ने से क्या हो रहा था, फोर्स बढ़ रही, लेकिन इस बार आपने क्या किया, आपने गैस को एक्सपैंड करने दिए, आप उसके लिड को फिक्स नहीं किए हुए थे, आपने वॉल्यूम को फिक्स नहीं किया हुआ था, यू अलाउड द गैस टू एक्सपैंड. तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स काइंड ऑफ लाइक एक्सर्टेड मोर फोर्स एंड पुश्ड द पिस्टन आउट. सी, तो गैस मॉलिक्यूल्स ने पुश फोर्स अप्लाई करके उस पिस्टन को बाहर की तरफ पुश कर, तो जब पिस्टन को बाहर की तरफ पुश किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया आपका. लेकिन इससे एक चीज पे इफेक्ट आया, अभी आप प्रेशर नहीं बढ़ सका, उसकी वजह यह है कि अब मॉलिक्यूल्स मैं मानता हूं तेज चल रहे हैं लेकिन दूर दूर भी, तो उनका जो रेट ऑफ कॉलिजन है, जो उनके टकराने की कह लो कि क्वांटिटी एक तरह से वो कम हो गई. दे आर नॉट कोलाइडिंग एट लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर 50 कॉलिजन हो जाती थी एक सेकेंड के अंदर, अभी कम हो रही होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स तकरीबन अब दूर दूर चले गए ना एक दूसरे से, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि प्रेशर रिमेन्स सेम बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर नाउ फर्दर अपार्ट. मॉलिक्यूल्स आर नाउ फर्दर अपार्ट. तो इवन इफ दे आर मूविंग फास्टर, लेकिन क्योंकि अब एरिया बढ़ गया है, अब जगह बढ़ गई है, तो अगर आप कहते हैं सर तेज मूव कर रहे थे फोर्स ज्यादा लगाएंगे, लेकिन ये भी तो देखो एरिया भी तो ज्यादा हो गया, प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो लाजमी बात है प्रेशर दोबारा कम हो जाएगा और वो रेगुलेट होके उतने पे ही आ जाएगा जितना प्रेशर पहले था. मतलब अगर आप ये देखें कि मैं गैस को एक्सपेंड ना करने देता तो प्रेशर बढ़ता, लेकिन यहाँ पे मैंने गैस को एक्सपेंशन अलाउ कर दी, तो क्या वो जो प्रेशर बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो रेगुलेट होके वापस उतना ही हो गया जितना वो पहले था, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया.
इसको फिजिकली थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि भाई पहले द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग स्लो एंड दे हैड लेस स्पेस, नाउ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर बट दे हैव मोर स्पेस, तो वो जो कलिजन रेट है आपका वो वैसा ही रहा, स्पीड बढ़ी तो जगह भी बढ़ गई, पहले अगर स्पीड कम थी तो जगह भी कम थी, तो जैसी कॉलिजन्स पहले हो रही थी वैसी कॉलिजन्स अभी भी हो रही हैं, हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया अभी भी उतना ही निकल रहा है, बस ये है कि अब एक बड़ी जगह में ये मामला हुआ हुआ है, पहले एक छोटी जगह में हुआ हुआ था। इस बात में अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, पूछना है तो पूछ लो। चलो फिर एक काम करते हैं, वील कीप द लेसन टिल हियर, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बॉयल्स लॉ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप का, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम इसकी वर्कशीट भी क्वेश्चंस भी कर लेंगे एंड दैट विल बी इट। ठीक है मेरे बच्चों, ख्याल रखना अपना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।